वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 5.2 कक्षा 10 समांतर श्रेणी की प्रश्न संख्या सीखी थी बेटा 18, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 19। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहे सुब्बा राव, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुब्बा राव। सुब्बा राव ने 1995 में कितने रुपए बेटा 5000 के मासिक वेतन पद कार्य यानी वेतन पर कार्य आरंभ किया या वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। मतलब उसको शुरुआत में कितना मिलता था बेटा 5000, यानी 5000 महीने का स्टार्ट किया, आरंभ किया। और कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन में वृद्धि, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में 200 रुपए बढ़ जाते हैं। मतलब पहली बार 5000 प्राप्त किए, दूसरी बार 5200, फिर 5400, समझ में आया ना, फिर 5600, हर माह में क्या रहे बढ़ते रहे। तो कह रहा है कि प्राप्त जब वेतन में वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000, अर्थात अंतिम पद दिया गया हमें 7000, अर्थात एन कितना दिया गया, एन कितना दिया गया बेटा 7000 दिया गया है, किस वर्ष, अर्थात हमसे पूछ रहा है एन की वैल्यू। तो A1 बराबर बेटा, A1 बराबर कितना 5000। A2 की बात करें तो A2 कितना आ जाएगा बेटा, 200 की वृद्धि होती तो 5200। A3 5400। अगर देखा जाए तो D बराबर कितना बेटा 200, यही हमारा क्या है D, समझ में आया ना। और AN की वैल्यू कितनी बेटा 7000, कितनी बेटा 7000 कह रहा है, कब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा AN बराबर फार्मूला होता है A+N-1 × क्या बेटा D, समझ में आया ना। तो AN की वैल्यू कितनी बेटा, तो 7000 बराबर A की वैल्यू कितनी बेटा 5000 प्लस N निकालना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 5000 प्लस N निकालना है -1 × D की वैल्यू कितनी बेटा 200। बताइए भाई इतनी चीज किसे किसे समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, गौर से समझिएगा, ये इधर प्लस का उधर जाएगा बेटा माइनस का, तो 7000 माइनस का 5000, समझ में आया ना, बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो आ जाएगा 200N माइनस का 200, समझ में आया ना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2000 बराबर, ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस में, पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो 200N माइनस का कितना बेटा 200, इधर माइनस का उधर प्लस में, तो 2000 माइनस, ठीक है, इधर प्लस में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 200 बराबर 200N, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2200 बराबर 200N, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो N बराबर 2200 बटे 200, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो N बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2200 बटे 2, तो 11 है, तो N बराबर कितना बेटा 11 है, अर्थात 11वें वर्ष में उसका वेतन बेटा, किस वर्ष में N बराबर आया 11, तो यानी 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा बेटा 7000 हो जाएगा, समझ में आया ना। कोई दिक्कत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा।